अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द ब्लॉग। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है दोस्तों सब खैर होंगे, ठीक ठाक होंगे। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले आके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो आज का सीन कुछ यूँ है कि आज है हमारे घर में खत्मुल कुरान। हम जो तरावी में कुरान मजीद पढ़ा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा कुरान मजीद ख़त्म हो चुका है और बस अभी कुछ टाइम तक तरावी स्टार्ट हो जाएगी और मेहमान कुछ टाइम तक आने लगेंगे। तो बस मैंने तो एक हिसाब से मैं तो बैठना स्टेज पे, क्योंकि मैं एक जगह पे बैठा रहूँगा और लोग आके कैंठे बनाएंगे। और बस मैं और मैंने एक छोटा सा कैमरामैन भी अपने साथ एक रखा है, मेरा एक कज़न है। तो अल्लाह करे बस मेरे ब्लॉग अगर बेस्ट बने। और बस ये टेंशन है तो बस टेंशन सारी ख़त्म कर देंगे। और बस मुझे अभी अंदर से आवाज़ आने से पहले मैं पहुँच जाता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पर तरावी पढ़ानी है। तो बस ज़्यादा टाइम जाए के बगैर मैं पहुँचता हूँ तरावी पढ़ाने के लिए। और बस थोड़ा इंतज़ार करें। A few moments later. अल्हम्दुलिल्लाह खत्मुल कुरान हो गए और बस अब मेहमानों का इंतज़ार है कि मेहमान आए और कारी साहबान आए और दुआ शुरू करें। तो बस उनका इंतज़ार करते हैं। था वो बस वो ख़त्म हो गया और मैं इतना प्रॉपर ब्लॉग नहीं बना सके, क्योंकि मैं मसरूफ़ था। और मतलब मैं एक जगह पे सुकून से बैठा था, अपने असाजे तक घर पर पहले बैठा रहा हूँ, बिल्कुल मैं फारे हूँ। तो उस वजह से मैं प्रॉपर ब्लॉग अपना नहीं बना सका। और बस कैमरा मैन ही मेरा थोड़ा सही काम का कैमरा मैन ही था, उस वजह से कैमरा मैन ने भी सही अच्छी अच्छी क्लिप्स नहीं ली। तो बस अभी दोस्त मेरे साथ अंदर बैठे हुए हैं और बस एज़ यूजल हम लोग रात को बैठते थे, तो बस वो बैठे हुए मैं जाता हूँ उनके पास, देखता हूँ, फिर उनसे फ़ारग होता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ। अभी तक सारे दोस्त मेरे बैठे थे, लेकिन अभी वो लोग चले गए और टाइम भी थोड़ा लेट हुआ है। टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ एक नज़र, लेकिन छोड़े हुआ एंड में दिखा दूंगा। तो सीन कुछ यूँ था कि बस अल्हम्दुलिल्लाह छोटा सा ख़त्म था और व्लॉग भी छोटा सा ही था, क्योंकि सच बताऊँ तो सीन कुछ यूँ था कि मैं अब एक हिसाब से आप लोग मुझ पर हंसेंगे, खासकर मेरे दोस्त ने अगर मेरा व्लॉग देख लिया दोस्तों ने ना, तो ये लोग मुझे ज़रूर हंसेंगे कि दूल्हा स्टेज पर बैठ के व्लॉग तो नहीं कर सकता ना। तो मेरा कैमरा मैन थोड़ा थोड़ा नॉन पीटीए था और बस इसी वजह से थोड़ा व्लॉग मेरा छोटा बनाए, क्योंकि उसको मैंने क्या कहा था, उसने किया कुछ और है। लेकिन बस मैंने सोचा था अच्छी बड़ी बड़ी क्लिप्स लेनी, लेकिन उसने छोटी छोटी क्लिप्स ली थी और प्रॉपर मेरा व्लॉग नहीं बना। और मैं तो ख़ुद व्लॉग नहीं बना सकता था, अगर मैं ख़ुद बनाता तो फिर इंशाल्लाह बेस्ट बनता। लेकिन मैं छोटा सा ख़त्म था और छोटा सा प्रोग्राम था, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों का, सब असातिज़ा मेरे का, सब दोस्त यार मोहल्ले वाले रिश्तेदार जितने भी आए अल्हम्दुलिल्लाह उनका सबका बहुत शुक्रिया। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सही ज़बरदस्त किस्म का पेट भर के खाया और मैं बस इस पर खुश हो गया। मैं कहता सब लोग पेट भर के खा लें, बस मेरा दिल खुश होगा। दुआ में अल्हम्दुलिल्लाह सब शरीक हुए, भाई ये बड़ी बात हुई है। तो बस आज का मेरा व्लॉग इतना ही था, तो इस व्लॉग को यहीं सेंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद ना आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और दूसरी बात ये कि ये इंतकाल कर चुकी है मेरी वायरल, ये मेरी कोई 25वीं वायरल हो चुकी है और इसकी अभी मैं कहूँगा इसकी इतनी कॉस्ट है। फिर आप लोग कहेंगे यार, लोग कहते हैं फिर ये पैसों से शो करते हैं, ये 2500 रुपये की अकेली एक तार आती है। तो मैं अभी इस पर पैसे ज़ाया, सारी उम्र मैंने इसे पैसे ज़ाया किए, हर 2 महीने बाद मैंने एक तार खरीदनी होती है, तो ये बड़ी टेंशन है। तो इस ब्लॉग को ही शेयर करते, उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर। मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़।